देश में लॉकडाउन की वजह से असहायों की मदद के लिए अर्धसैनिक बल अब जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वाराणसी में सीआरपीएफ की 95वीं बटालियन के जवानों ने सड़कों पर भटक रहे लोगों और बच्चों को खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस संदर्भ में सीआरपीएफ के कमांडेंट नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सीआरपीएफ की तरफ से इस संकट की घड़ी में गरीब परिवारों को कोरोना संक्रमण के बारे में जागरूक किया गया और कैंट रेलवे स्टेशन, लहरतारा, भुल्लनपुर, रोहनिया, चुरावनपुर आदि स्थानों पर जरूरतमंदों एवं भूखे लोगों को भोजन और राहत सामग्री वितरित की गई। लोगों में जागरूकता लाने के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा गया। इसके अलावा द्वितीय कमान अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा एवं सहायक कमांडेंट सुजीत कुमार के नेतृत्व में गरीब परिवारों को कोविड 19 के बारे में जागरूक भी किया गया। 95 बटालियन के द्वारा यह शुभ कार्य किया जा रहा है। कोविड 19 कोरोना वायरस से उत्पन्न समस्याओं से कई लोग भूखे और परेशान हैं। कई लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है, उनको दवाई दी जा रही है। हमारी बटालियन के द्वारा खाना, ड्राई राशन, दवाई और कई सामानों का वितरण किया जा रहा है, जिनमें हैंड सैनिटाइजर, मास्क भी शामिल है। कमांडेंट महोदय श्री नरेंद्र पाल सिंह के कुशल मार्गदर्शन में एवं साथ में हमारे सुरेश मिश्रा सर के नेतृत्व में यह कार्य प्रतिदिन सुबह और शाम किया जा रहा है। मैं संजीत कुमार, सहायक कमांडेंट, आपके खातिर अंतिम सांस तक यह सेवा प्रदान करते रहेंगे। मेरा यह संदेश है कि आप लोग घर में रहें, जरूरत हो तो 95 बटालियन के हेल्पलाइन नंबर पे फोन करें, हम आपको यथासंभव 24 घंटे मदद पहुंचाएंगे। जय हिंद।